हर सवाल के जवाब में ये नेहरू के पास चले जाते हैं। अरे नेहरू जी चले गए, नेहरू जी को जो करना था वो कर गए, और नेहरू जी ने जो देश के लिए किया वो देश के लोगों को याद है। आप बताइए कि आप क्या किए हैं। ये चाहते हैं कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस पे बात नहीं हो। जब भी चुनाव हो तो इसको ये जबरदस्ती धर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आप देखिए कि ये अपने खरीदे हुए टीवी चैनल के माध्यम से कोई ना कोई विवाद खड़ा करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जो वादा इन्होंने खुद किया था, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी का घोषणा पत्र नेहरू जी छपवा के बंटवा देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। भाजपा के लोग जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो उसका घोषणा पत्र तो बीजेपी ही छपवाई है ना, कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं छपवा करके बंटवा दिए हैं भाजपा के नाम से। प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो तो भाजपा ही लिख के देता होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाएगी, ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं। कल प्रधानमंत्री आए तो कल भी यही बात दोहरा रहे थे कि गोवा गोल्डन हो जाएगा, गोवा का फुल फॉर्म बता रहे थे। गोवा गोल्डन कैसे होगा ये तो बताइए। पहली बार गोवा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 50 साल में, इतनी ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं थी। और आंकड़े बताते हैं कि 25,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। क्या कैसे नहीं कर लेगा मुझे बताइए। ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, रोज डे से लेकर के वैलेंटाइन डे तक जाएगा, आज प्रॉमिस डे है। बेरोजगार नौजवानों की हालत यह है कि सरकार उसका प्रॉमिस नहीं पूरा कर पा रही है और वो अपने सरकार का प्रॉमिस नहीं पूरा कर पा रहे हैं। लड़की पूछती है कब ब्याह होगा, शादी कब मनाओगे, वो कहता है जब नौकरी मिलेगी। बोला पिछले 4 साल से यही बोल रहे हो कि जब नौकरी मिलेगी तो शादी मनाएंगे, तो बोला पिछले साल 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, ना वैकेंसी आ रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना शादी हो रही है, क्या वैलेंटाइन डे मनाएगा लोग। ये स्थिति है कि घर के अंदर एक लोग कमाने वाला है, 5 लोग 7 लोग खाने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि हर साल देश में 5 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं। ऑलरेडी जिस देश में 5 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हो वहां पे प्रधानमंत्री के स्कीम लेकर के आते हैं, स्किल इंडिया, हम इंडिया को स्किल दिलाएंगे। अरे महाराज, इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत स्किल है, स्किल ले लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप इंडिया को जॉब कब दिलाएंगे, आप नौकरियां कब दिलाएंगे। जॉब की हालत यह है कि सरकारी सेक्टर में कोई स्टेट ऐसा नहीं है, गोवा को छोड़ दीजिए क्योंकि यहां कुल पॉपुलेशन ही 15 लाख है, हर स्टेट में 5 लाख 10 लाख पोस्ट खाली है, सरकार उस पर वैकेंसी नहीं निकालती है। अगर गलती से वैकेंसी निकल जाए तो एग्जाम नहीं लेती है, एग्जाम अगर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। आप सब आपने देखा होगा कि हमारे देश की पुलिस जो हमारे ही टैक्स के पैसे से वेतन लेती है, और हमारे देश घर के बच्चे जब नौकरियों के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनके ऊपर डंडा चलाती है। आपने देखा होगा कि इस देश के भीतर किसान सड़क पे बैठ करके 1 साल तक इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से 1 शब्द नहीं निकला। और जब उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री माफी मांग करके किसान बिल वापस करा दिए। मैं कहता हूं कि भाजपा को किसी भी प्रकार से
सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। इसीलिए वो चाहते हैं कि चुनाव के अंदर लोगों के सवाल गायब हो जाए और समाज का धर्म के आधार पर पोलराइजेशन किया जा सके, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा सके। मैं फोंडा की एक एक जनता से, भाइयों से, बहनों से, नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इस मौके को गवाइए मत। जब आप सड़क पार कर रहे होते हैं उस वक्त आपका दिमाग अगर कंफ्यूजन में होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप किसी चौराहे पे पहुंचे हैं, आपको लेफ्ट घूमना है कि राइट घूमना है, इसका अगर आप निर्णय नहीं कर पाएंगे तो एक्सीडेंट कर जाएगा। 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, इसीलिए मैं खास करके अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं, अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखिए। और आप ये नहीं सोचिए कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए क्या नहीं की, आप ये सोचिए कि 2011 से कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं है। लगातार बुनियादी सवालों को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। हम आपसे आपका साथ चाहते हैं, हम आपसे आपका साथ चाहते हैं कि ये लड़ाई हमारे भविष्य की लड़ाई है। और आपको मैं सिर्फ ये अपील नहीं कर रहा हूं कि आप वोट कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं आप वोट कीजिए ही कीजिए, आप हमारा सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। और डेमोक्रेसी की यह लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, एक संगठित समाज के तौर पर, जो समाज हम सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, उस समाज के नागरिक के तौर पे आप हमारा समर्थन कीजिए। आप घर घर जाइए और अपने सवालों को लेकर के लोगों को बताइए। आज जो हमारे समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में बात कीजिए, और जो हमारे बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं उनको पर्दाफाश कीजिए। और गोवा के बारे में जो झूठ बोला गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उस झूठ का पर्दाफाश कीजिए और बताइए कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कांग्रेस इस देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के अलावे क्या काम किया है, समाज को बांटने के अलावे क्या काम किया है, धार्मिक झगड़े लगाने के अलावे क्या काम किया है। और ये प्रश्न पूछिए कि कहां है नौकरी, कहां है बिजनेस, कहां है विकास। विनाश की गंदी नाली को ये विकास की गंगा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम गोवा को गोल्डन बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसे स्टेट से आता हूं जिस स्टेट में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, कितने साल से, 20 साल से, और आप सब गोवा के लोग हैं। आप मुझे बताइए कि बिहार से आया हुआ इंसान आपको गोवा में मजदूरी करता हुआ दिखता है, नहीं दिखता है? तो 20 साल में बिहार को गोल्डन नहीं बनाए, और 5 साल और मांग रहे हैं गोवा के चुनाव में कि गोवा को गोल्डन बना देंगे। झूठ कोई इनसे बोलना सीखे, झूठ बोलने में ये माहिर हैं। मैं कहता हूं गोवा गोल्डन है, गोवा गोल्डन है गोवा के लोगों से, और गोवा के जो गोल्डन लोग हैं उनका जो सवाल है वो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। और उनका सवाल ये है कि हर नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए, पेट्रोल और डीजल 80 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकना चाहिए, जो विकास की योजनाएं आधे अधूरी हैं उस विकास की योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। और टूरिज्म की बात करते हैं ये, मैं कहता हूं टूरिज्म का फायदा भी गोवा के लोगों को तब मिलेगा जब उसमें आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, वरना न्यू जुआरी ब्रिज बनने दीजिए, थैला भर भर के व्यापारी आएगा और जबरदस्ती गुंडों के बदौलत आपको आपके घर से निकाल करके आपका जमीन जबरदस्ती खरीद करके ले जाएगा। ये गोवा बनाना चाहते हैं। टूरिज्म विकसित होगा, लेकिन टूरिज्म विकसित तब होगा जब उसमें गोवा के जो मूल निवासी हैं उनका पार्टिसिपेशन होगा, डेवलपमेंट
सिस्टम से होता है, वो इंक्लूसिव होता है, तब उसका फायदा वहां के लोगों को मिलता है। वरना मैं आपको बता दूं, भारत के किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर चले जाइए, प्लेट साफ करने वाला लोकल और होटल का मालिक किसी और जगह का होता है। हमको ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोवा के लोगों का जो सवाल है, वो सवाल रोजी रोजगार का सवाल है, वो सवाल विकास का सवाल है। और ये रोजी रोजगार और विकास का सवाल तभी पूरा होगा जब फियरलेस होकर के हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अपने अधिकारों का एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमको इस देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसको हम जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, मुद्दों को भटकाने के लिए आज की बात नहीं करते हैं, फ्यूचर की बात नहीं करते हैं, बार बार आपको झूठे इतिहास के दलदल में ले जाते हैं ताकि आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ सके। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भाजपा के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा के लोग आजकल गोवा चुनाव प्रचार में घूम घूम करके वोटर को डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रुक जाएगा। भाजपा के समर्थक गोयंकर को जाकर कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा तो जितना डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, केरल के एक साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आज तक केरल में भाजपा की सरकार नहीं बनी है। क्या केरला डेवलप नहीं है? 20 साल से बिहार में भाजपा की सरकार है, तब भी जो है गोवा के डेवलपमेंट को हम नहीं छू पाए हैं। ये जो लोग डरा रहे हैं उनको कह दीजिए, हमको जिसको वोट देना है देंगे, और यहाँ विकास हो रहा था, विकास होगा। पैसा तुम्हारे बाप का नहीं, हमारे टैक्स का पैसा है, विकास का प्रोजेक्ट किसी भी हाल में हम रुकने नहीं देंगे। ये कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा तो विकास कार्य रुक जाएगा, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। साहब, इस महंगाई में जहां पेट्रोल 100 रुपया लीटर बिक रहा हो, वहां जब घर में दो कार चलाना मुश्किल हो तो दो इंजन वाली सरकार चलाना भी मुश्किल होता है। एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा कह रहे थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो अपने आप को मुख्यमित्र कहते हैं। सही बोले प्रधानमंत्री जी, आप सचमुच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सरकार नहीं चला रहे हैं, आप अपनी मित्रों की ही सरकार चला रहे हैं। देश का नाम लेते हैं और दोस्त तो देश की संपत्ति बेचते हैं। इसीलिए मैं गोवा के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आर पार की लड़ाई है। पांचों राज्य में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में खड़ी है, और ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे लिए इस देश की जो संस्कृति है, इसकी जो एकता है, उसको बचाने की लड़ाई है। इसीलिए मैं गोवा के आप तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं, हमारे दो प्रत्याशी दोनों आसपास के कॉन्स्टिट्यूशन के आपके बीच में मौजूद हैं, इनको एमएलए की तरह नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही की तरह वोट दीजिए। और एक बात कहता हूं कि जो कहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए जीत करके भाग जाते हैं, देखिए ऐसा है ना कि जिनको भागना होता है ना वही भाग जाते हैं, जिनको आज देश बचाने के लिए लड़ना है वो एरी टिका करके कांग्रेस में टिके हुए हैं, और जो बाहर थे वो भी कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं। हमारे लिए राजनीति का मतलब जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ना होता है। और लड़ाई का जहां तक संदर्भ है तो मैं आखिरी बात बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी, वही कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी को बचा सकती है। इसीलिए आप अपने जीवन में जब जो भी निर्णय लेते हैं तो आप अनुभव पे भरोसा करते हैं। आप उस टेलर के पास कपड़ा बनवाना चाहते हैं जो टेलर 50 साल से आपका कपड़ा बनवा रहा हो। आप उस वकील के पास अपना मुकदमा देना चाहते हैं जो 50 साल से केस लड़ रहा हो। आप उस डॉक्टर के पास दिखाना चाहते हैं जो 50 साल से आपके परिवार को देख रहा हो। आप अपने निर्णय को लेकर के अनुभव पे ध्यान देते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत कही गई है, There is nothing before experience। कांग्रेस पार्टी को देश चलाने का अनुभव है, कांग्रेस पार्टी को
गोवा चलाने का अनुभव है, आपने एक नए ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दे करके देख लिया, ये न्यू जुआरी ब्रिज से उसको पानी में गिरा दिया है। इस नए ड्राइवर को सीट से हटाइए, एक्सपीरियंस देश के चलाने वाले जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, उनका समर्थन दीजिए। और एक आखिरी बात बोल करके, कहते हैं जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीर पड़ाई। जो औरत बच्चा पैदा करती है उसको पता होता है कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश को बनाने में हमारी पार्टी का योगदान है। और जिस नेहरू को ये गाली देते हैं, अगर वो नेहरू नहीं होते तो देश का ये स्वरूप नहीं होता। आज उस स्वरूप को ये बिगाड़ना चाहते हैं कपड़ों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। ये देश को हम बिगड़ने नहीं देंगे। आप अपना समर्थन दीजिए, गोवा से एक संदेशा पूरे भारत को दीजिए कि भारत सबका था, है और सबका रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपका समर्थन हमको मिलेगा, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, गोवा की जनता जिंदाबाद।